नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फरवरी का महीना 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, यानी कि मेष से लेकर मीन राशि तक की राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। दर्शकों, क्योंकि होता क्या है, अक्सर देखिए एक एक करके हमारे जीवन का पल बढ़ते चले जाते हैं, दिन महीने साल निकलते चले जाते हैं और हमारे मन में जिज्ञासाएं भी बढ़ती चली जाती है कि चलो ये महीना तो हमारे लिए जैसे तैसे निकल गया, आने वाला महीना हमारे लिए कैसा है, आने वाला साल हमारे लिए कैसा है या आने वाले दिन हमारे लिए कैसे है, ये जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। तो उसको केवल एक ही मात्र से दूर किया जा सकता है, वो है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम राशि के अनुसार जान सकते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में भी हम फरवरी के महीने के बारे में जानेंगे और आपकी इस जिज्ञासा को दूर करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है आने वाला फरवरी का महीना। और साथ ही साथ विशेष मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहता हूं, आप इसको भी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि ये जो राशिफल होता है ये आपके चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष है, वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो ये जो आपको राशिफल सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये भी आपको उसी प्रकार सुनने को और देखने को मिलेगा आपके मून साइन के ऊपर बेस्ड। सन साइन के ऊपर बेस्ड प्रिडिक्शन ये नहीं होगी, तो आपको अपने मून साइन को कंसिडर जरूर करना है। तो आशा करता हूं आप सभी वीडियो में निरंतर बने रहेंगे और एक एक करके अपने राशि फल को भी सुनते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अब कुंभ राशि के जातकों के ऊपर कि कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। लगभग देखिए ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा, काफी महीने की जो शुरुआत रहेगी काफी अच्छी रहेगी और काफी चीजें आपको अचीव हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे महीने का मिड आता जाएगा वैसे वैसे चीजें थोड़ी स्लो भी आपके लिए होती चली जाएगी। तो जो भी आपको प्रोफेशनल चेंजेस लेने हैं या फिर आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चेंजेस करने हैं आपको महीने के स्टार्टिंग में ही कर लेने चाहिए, यही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कुंभ राशि के जातकों को, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ के बाद चीजें थोड़ा सा आपके लिए स्लो होना शुरू हो सकती है, डगमगाना शुरू हो सकती है या फिर आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कुछ ना कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए मिड ऑफ द मंथ की अगर हम बात करते हैं तो कमी आ सकती है। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हाँ, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी शादी अब तक तय नहीं हुई तो वो फिक्स हो जाएगी, कोई प्रपोजल आ सकता है, उसकी एक्सेप्टेंस हो सकती है। ये सारे वे में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं, अगर इस सेंस से हम समझ के चलते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। ओवरऑल स्थिति आपके लिए वैसे अच्छी रहेगी, बस ये है कि थोड़ा सा माइंड आपका जो डाइसी हो रहा है, बार बार दो तरफा चीजें आप सोच रहे करूं या ना करूं, इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की जरूरत है। जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर पूरी तरीके से नहीं आएंगे तब तक चीजें ढंग से नहीं हो पाएंगी। बाकी पराक्रम साहस आपके अंदर बड़ा रहेगा, बस थोड़ा सा माइंड को स्टेबल कर लीजिए तो महीना आपके लिए कुल मिला के अच्छा चला जाएगा। महीने की जो चीजें रहेंगी वो आपके लिए कुल मिला के फिर अच्छी हो जाएंगी, उसमें कोई भी नुकसान, कोई भी हानि, कोई भी परेशानी आपके लिए होती हुई नजर फिर मुझे नहीं आ रही है। तो ये एक चीज अच्छी है, आपको इसको विशेष तौर पर कुंभ राशि के जातकों को फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, पढ़ाई के लिए अगर देखा जाए आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो विशेष तौर पे आपको उसमें लाभ मिलेगा, काफी ज्यादा उन्नति आपको मिल सकती है। इस तरीके के योग भी कुंभ राशि के जातकों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जॉब की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, आप प्रयास करते रहिए। प्रमोशन की भी अगर बात करनी तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको वो बात करनी पड़ेगी, मिड ऑफ द मंथ के बाद आपको चीजें थोड़ा सा ना सुनने को भी मिल सकती है, तो पहले ही शुरुआत कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब कुछ सामान्य टिप्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का डेली जाप करना है। साथ ही साथ लाल रंग का जो कलावा होता है वो अपने हाथ पे, अगर महिला है तो लेफ्ट, पुरुष है तो राइट हैंड पे आप उसको बांध सकते हैं, उससे भी आपको विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। और अगर चंदन का तिलक लगा सके, विशेष तौर पे लाल चंदन का लगा सके, तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर ये सामान्य टिप्स को फॉलो करते हैं और अंक एक का प्रयोग करेगा, यहाँ पे अंक एक लिख के रखेगा, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ये जानकारी थी कुंभ राशि के जातकों के लिए।
अगली वीडियो में चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना। बाकी कुंभ राशि के जातकों के लिए टाइम अच्छा है, बस ये वाले जो सामान्य मैंने टिप्स दिए इनको फॉलो जरूर करेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं दर्शकों, आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को, हमारे एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन जो नीचे आ रहा है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि उसको अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो ज्योतिष से संबंधित अन्य वीडियोस भी आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, चाहे सूर्य ग्रहण से संबंधित हो, चंद्र ग्रहण से संबंधित या कोई भी खगोलीय घटना ज्योतिष से संबंधित अगर होती है तो एस्ट्रो योगी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वो निरंतर मिलती रहेगी। तो आपको बस यही करना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर वन लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।